बाहर बाउंसर्स खड़े थे और अंदर भी बाउंसर्स वेटर की ड्रेस पहनकर लिकर सर्व कर रहे थे। पूरे रेस्टोरेंट में बस एक लड़की और एक लड़का बैठे थे। लड़की बिंदास थी, पेग पर पेग पिए जा रही थी। लड़के के होश गुम हो रहे थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उठकर भी नहीं जा सकता था। लड़का डेट पर जो आया था, आधे घंटे के अंदर लड़के को 55,000 का बिल पकड़ाया गया। बाउंसर्स ने घेर कर पैसे भी वसूल लिए। ये कहानी मुंबई की है, लेकिन ऐसा किसी भी मेट्रो में हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। हमने जब इस केस की तहकीकात शुरू की तो परत दर परत कई राज खुलने लगे। प्राइवेसी कंसर्न के चलते कई चेहरे और नाम हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस तहकीकात में क्या कुछ निकल कर आया, क्या कुछ बातें पता चली, सब आपको बताएंगे। दस हजार की कॉकटेल, 39,984 रुपए का ब्लू लेबल, 7,192 रुपए का रेडबुल और 199 रुपए की पानी की बोतल, वैट और जीएसटी मिलाकर दो लोगों का बिल 61,743 रुपए। दूसरा बिल, 5,000 की कॉकटेल, 9,996 रुपए का ब्लू लेबल, 1,798 रुपए का रेडबुल, 699 रुपए का पैशनेट बेसल, 650 रुपए का मशरूम टिक्का, 425 रुपए का फ्रेंच फ्राइज, सर्विस चार्ज, वैट और जीएसटी मिलाकर दो लोगों का बिल 22,082 रुपए। बिल और भी हैं, कोई बिल 48,996 रुपए का है तो कोई बिल 35,949 रुपए का। ये सारे बिल एक ही रेस्टोरेंट के हैं और सारे ठगी वाले बिल हैं। गॉडफादर मारियो पुजो के मशहूर उपन्यास का नाम है, जिस पर फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने माफिया पर सबसे प्रसिद्ध फिल्म बनाई थी। उसी के नाम पर मुंबई के अंधेरी में यह क्लब रेस्टोरेंट खोला गया। इस गॉडफादर रेस्टोरेंट में डेटिंग ऐप वाली लड़कियां आती, अपने साथ एक या दो दिन पुरानी दोस्ती वाले लड़के लाती, लड़की खाती पीती, बिल बनवाती और फुर्र हो जाती। डेट के लिए आए लड़के किसी तरह बिल भरते रहते। मुंबई के प्रतीक जाधव से मिलिए, खाया पिया कुछ नहीं, बिल चुकाया 55,000 का। डेटिंग ऐप पर मैच होने के बाद प्रतीक इसी गॉडफादर रेस्टोरेंट में आए थे। फिर उनके साथ क्या क्या हुआ, प्रतीक पर हुआ इमोशनल अत्याचार, खुद उन्हीं की जुबानी समझिए। 10 अगस्त को मैंने टिंडर पे बहुत टाइम बाद इंस्टॉल किया था ऐप। सुबह सुबह मुझे मैच मिला इस लड़की का, मनीषा नाम था उसका, और उसका चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था अपने प्रोफाइल में। फिर भी मैं उनसे बात कर रहा था और वो बोल रही थी कि चलो हम लोग मिलके ही बात कर सकते हैं, क्योंकि मिलके ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। चलो मैं भी ठीक था, मैंने अपना नंबर शेयर किया, व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत बात हुई और उन्होंने एक लोकेशन भेजा। लोकेशन था बेसिकली आज़ाद नगर अंधेरी का, एक पिज़ेरिया करके एक रेस्टोरेंट था। मुझे लगा था पिज़ेरिया में ही बात करेंगे, लेकिन वो नहीं, उन्होंने मुझे लेकर के गए किसी और पब में। उसका नाम था गॉडफादर, एकदम कोने में था। और गए हम लोग, थोड़ा शेडी प्लेस तो लग ही रहा था, इतना कोई खास फैसिलिटीज तो था नहीं उनका। जैसे ही हम लोग बैठे, मतलब वैसे ही उसने धड़ाधड़ ऑर्डर करना शुरू किया। बहुत ही नॉर्मल सा ऑर्डर था, इतना कुछ बड़ा नहीं था। हुक्का था, 2 पॉइंट बियर था, अल्कोहल था, मतलब एंटिक्विटी ब्लू 2x60 ml वगैरह, कॉर्न स्टार्टर था, चिकन चिली था। अराउंड 7 के दरमियान मतलब ये वेटर आता है मेरे तरफ और मुझे बोलता है, सर आपका कोई बजट है क्या? तो मैंने बोला भाई है, क्यों पूछ रहे हैं ऐसे? तो बोलते हैं नहीं सर, 45,000 तक अब तक बिल हो चुका है। तो मैं थोड़ा चौंक गया, भाई इतना तो हो नहीं सकता, इतना क्या ही मंगाया हमने। शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड इन अ वे। एंड देन जब हम लोग ने बिल मंगाया और बिल जब ही आया तभी ये 55,248 रुपीज़ का। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था पहली बार। मैंने जल्दी जल्दी से अपना बिल भर दिया क्रेडिट कार्ड निकाल करके। बाद में मैं फिर से गया वहाँ पे, मेरा छाता भूल गया था मैं, और मैं फिर से छाता लेकर के आया। तभी जब ही गया था तभी वो लोग थोड़े चौंक गए थे फिर से मुझे देख के। मैं वैसे ही मतलब आ गया फिर से, और बाद में वही मतलब हम लोग अलग अलग FIR वगैरह दर्ज की हमने। प्रतीक जाधव ने मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। इसी थाने में अरुण नाम के व्यक्ति ने भी FIR लिखवाई। अरुण के साथ 73,000 रुपए की ठगी हुई। ठगी का तरीका एक जैसा, डेटिंग ऐप पर लड़की मिली, उसने गॉडफादर रेस्टोरेंट बुलाया, आधे घंटे में ही 73,000 का बिल आ गया।
अच्छे से अच्छे बार और कैफे की रेट लिस्ट को फेल करने वाला यह है गॉडफादर का मेन्यू कार्ड। इसे लड़कों को तब तक नहीं दिखाया जाता जब तक बिल वसूलने का टाइम नहीं आ जाता। इस मेन्यू को देखते ही समझ में आ जाता है कि किसी भी चीज की कीमत इतनी ज्यादा नहीं हो सकती जितनी यहां लिखी है, लेकिन बिल आने तक शिकार जाल में फंस चुका होता है। डेटिंग ऐप पर इश्किया के चक्कर में बटवा खाली कराने और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के केस की तहकीकात के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर साकेत राय गॉडफादर क्लब रेस्टोरेंट पहुंचे तो एक नहीं कई केसेस का पता चला। यहाँ एक गिरोह फंक्शन कर रहा है जो पूरी तरह से टिंडर और ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए लड़कों को ठगने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में कई बार ऐसा होता है कि जो मैरिड लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, अगर उन लोगों को इसमें फंसाया जाए तो वो कानूनी तौर पर प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ेंगे और ये सबसे बड़ा जरिया होता है लोगों को ठगने का। गॉडफादर क्लब रेस्टोरेंट के पास हमें दो बाउंसर मिले। रेस्टोरेंट पर ताला लगा मिला लेकिन बाउंसर तैनात थे। हमने उनसे बहुत पूछा लेकिन उनको तो जैसे किसी सवाल का जवाब ही नहीं पता। बाउंसर किस लिए रखा हुआ? ये इसलिए रखा है कि मतलब हमको बोला है कि मतलब ये खुलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? कुछ पता नहीं हमको। कुछ कब से बंद है ये? कुछ हो गया है, हम लोग मतलब यहाँ पे आके हम लोग को 15 दिन हो गया है। बंद क्यों किया? ये कुछ प्रॉब्लम सोसाइटी के कुछ कंप्लेंट गई है, इस वजह से बंद किया गया। किस तरह की कंप्लेंट? पता नहीं सर। हाँ, थर्ड पार्टी बाउंसर आपको रखा गया है। आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं? हम किस कंपनी से नहीं है सर, हम डायरेक्ट से हैं। डायरेक्ट कैसे? मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कैसे डायरेक्ट। पता नहीं, नो आइडिया। आपको पता नहीं है सर? आप भी यहाँ पर बाउंसर का काम करते हैं? हम भी सर बाउंसर का ही काम करते हैं, बाउंसर ही हम। आप गॉडफादर के लिए काम करते हैं या फिर कोई आपकी भी थर्ड पार्टी है? हम काम करते हैं पब्लिक को हैंडल करने के लिए, इधर कोई मचमच ना हो जाए। किस तरह का मचमच सर? कैसा भी समझ लिया, कोई नहीं लड़ाई दंगा, कोई पी के आ गया उसको बाहर करने का पकड़ के। कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? 15 दिन हो गया सर। आपको भी? जी। यहाँ पर काफ़ी दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों को ठगने का काम किया जाता है, स्टाफ भी उसमें इंक्लूड है। जी। तो आपको इस बारे में कोई जानकारी है? आप भी इसका हिस्सा हैं? ना, आई डोंट नो सर। तहकीकात के दौरान मुंबई में हमें एक ऐसे आईटी प्रोफेशनल मिले जो डेटिंग ऐप वाली फ्रॉड लड़की से लुटते लुटते बचे थे। अब वो डेटिंग ऐप के खतरे को लेकर लड़कों को अलर्ट करते हैं। उस एक हफ्ते में मैंने कुछ रिसर्च करना चालू किया कि क्रिस्टल प्लाजा स्कैम, क्रिस्टल पैराडाइज स्कैम, ऐसे डालना चालू किया तो मुझे पता चला वही जगह पे एक क्लब है, नाम गॉडफादर नाम का क्लब है। और गॉडफादर पे ही फिर बाद में मुझे रिव्यूज़ मिलने लगे। रिव्यूज़ जैसे मिलने लगे उसके बाद में मैंने पूरा एक डेटा निकाला, उसमें 40 से 50 लोग थे। तो ऑन एन एवरेज 25,000 का एक एक इंडिविजुअल का बिल था। तो आप अगर कैलकुलेट करते हो करीबन 40 लोग का भी करीबन 10 लाख तो ऐसे ही हो जाता है। 3 हफ्तों में इतना रिव्यू था। इन्होंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें डेटिंग ऐप फ्रॉड के शिकार हो चुके करीब 50 लोग मेंबर हैं। ये लोग सोशल मीडिया और गूगल पर किसी रेस्टोरेंट, कैफे या बार की रेटिंग डालते हैं। जो क्लब, रेस्टोरेंट और बार डेटिंग ऐप वाले फ्रॉड में शामिल होते हैं ये उसकी रेटिंग गिराते हैं। अंधेरी के गॉडफादर रेस्टोरेंट का नाम 2-2 FIR में आया जिसके बाद कुछ दिनों के लिए इस पर ताला लगा दिया गया। अब इस रेस्टोरेंट ने अपना बोर्ड उतार दिया है, इसे किसी नए नाम से खोलने की तैयारी चल रही है। मुंबई का ये बेलाशियाव रेस्टोरेंट पिछले महीने तक द रेड रूम के नाम से चल रहा था। इस रेस्टोरेंट का नाम भी डेटिंग ऐप वाली ठगी में आया तो पुलिस ने इसे सील कर दिया। अब इसने बेलाशियाव के नाम से दोबारा बिजनेस शुरू कर दिया है। हमने सोशल मीडिया पर तलाश किया तो वहां ऐसे कई बिल मिल गए। विक्टिम लड़कों ने अपना दुखड़ा भी शेयर किया है। द रेड रूम रेस्टोरेंट में भी डेटिंग ऐप वाली लड़कियां डेट के नाम पर लड़कों को फांस कर लाती और रेस्टोरेंट वाले उनसे मोटा बिल वसूल करते। मुंबई के बांगूर पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर हुई। डेटिंग ऐप फ्रॉड केस में BNS की दफा 318-4, 308-3 और 61-2 लगाई गई। इसी सिलसिले में बांगूर थाना पुलिस ने होटल रॉयल इन पर छापा मारकर 2 लड़कियों और 4 लड़कों को अरेस्ट किया। हमें मिली जानकारी के मुताबिक इस गैंग के हर मेंबर का 15 से 20% हिस्सा पहले से निर्धारित होता है। सोशल ऐप इन्होंने खोला था वाइल्ड ऐप नाम से, उसके ऊपर वो सब इनवाइट करते थे चैटिंग करके, कि फ्रेंडशिप करते थे चैटिंग करके। फिर फ्रेंडशिप होने के बाद फिर कुछ दिन के बाद वापस उनके साथ कॉल करते थे, विश्वास संपादन करते थे। विश्वास संपादन होने के बाद मीटिंग होती थी, मीटिंग होने के बाद उनका बाहर का बाहर फिर जाने वो जाते थे या किसी होटल में या किधर। तो इसके हिसाब से वो
ऐसा अपना पैसा कमाने का उनका एक ये था। ये किस तरह से आईडी बनाते थे, कैसे फंक्शन करते थे, और क्या किसी एक आदमी को टारगेट किया जाता था या कोई भी हो सकता है टारगेट? नहीं सर, इनका फिक्स नहीं रहता था। इनको इनका जो एक ऐप इन्होंने बनाया था, जो इंटरेस्टिंग होगा वही उसको रिस्पॉन्स देंगे, वही उसको चैटिंग करेगा। और इनका एक मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि ये एकदम कंटिन्यू चैटिंग भी नहीं करते थे या उसको इन्वाइट भी नहीं करते थे। एक बार चैटिंग हुई तो दो दो तीन तीन घंटे चैटिंग भी नहीं करते थे, विश्वास संपादन करते थे वो ये। तो फिर कस्टमर को लगता था कि विश्वास संपादन होने के बाद फिर उनकी डेटिंग होती थी।